नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने भारत को ओलंपिक में दिलाया गोल्ड मेडल। तो अगर आप भी भारत की इस जीत से खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया बिल्कुल लिखना ना भूलें। और साथ ही आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल ओलंपिक में दिला दिया है, और इसको लेकर भारतीय कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना बयान साझा किया है। तो क्या है पूरी जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहलवान बजरंग पुनिया के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के कुछ ही देर बाद स्टार जेलविन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच डाला है। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का रहा। यह भारतीय ओलंपिक इतिहास में 100 वर्षों में ट्रैक एंड फील्ड का सबसे पहला मेडल है। इसके साथ ही वह ओलंपिक में इंडिविजुअल स्पोर्ट में गोल्ड जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे एथलीट बन चुके हैं। यह भारत का टोक्यो में 7वां मेडल भी है। इसके साथ ही भारत ने अपने लंदन ओलंपिक 2012 के बेस्ट प्रदर्शन 6 मेडल को पीछे छोड़ दिया है। नीरज ने पहले प्रयास में 87.03 मीटर भाला फेंका, जबकि दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर रहा। इसके साथ ही उनका गोल्ड मेडल भी पक्का हो चुका था, क्योंकि वह दोनों ही राउंड में टॉप पर थे। उन्होंने तीसरे प्रयास में 76.79 मीटर थ्रो किया। दूसरे नंबर पर चेक गणराज्य एथलीट और गोल्ड मेडल के दावेदार माने जा रहे बी यूकुब ने इस दौरान दूसरा और तीसरा प्रयास फाउल किया और आखिरी प्रयास 86.67 मीटर ही भाला फेंक सके। नीरज ने स्वर्ण पदक जीतने के बाद तिरंगा लेकर मैदान का चक्कर लगाया। दोस्तों, इस पर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना बयान भी साझा किया है। कप्तान विराट कोहली ने कहा कि भारत के लिए बहुत ही बड़ा वक्त है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने एक बहुत ही बड़ी भारत को जीत दिला दी है। तो वहीं रोहित शर्मा ने कहा कि यह एक खुशी का पल है भारत के लिए और साथ ही भारत के हर एक देशवासी के लिए। और रोहित शर्मा ने आगे कहा कि इसके लिए नीरज चोपड़ा को बहुत ही सारी बधाइयां, और जिन्हें देश का सम्मान रखने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे भारत की इस बड़ी और ऐतिहासिक जीत के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।